नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल कृपानी आपका एमवी न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एमवी न्यूज़ में हम आपके लिए लाते हैं फोटो वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज की कुछ खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। निकॉन की तरफ से हुआ पहला सक्सेसफुल वर्कशॉप। इंडिया विल नीड अराउंड 1 लाख ड्रोन पायलट। कोडॉक्स एक्सपीरियंस सेंटर की हुई ग्रैंड ओपनिंग। लाइव व्यू अनाउंसेस स्पेशल डिस्काउंट फॉर सोलो यूजर्स। और कुछ वर्कशॉप और एग्जीबिशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। PSI ऑर्गेनाइजेज प्री वेडिंग वर्कशॉप एट अकेडमी ऑफ मास्टर्स एट सेट्स बाय द बे, जिसमें मेंटोर हिमांशु जोरा, निकॉन एक्सपर्ट सिनेमाटोग्राफर, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और वहां उपस्थित फोटोग्राफर भाइयों और बहनों को ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में जानकारी दी। शेयरिंग फोटोग्राफी पैकेज इन डिटेल, चूजिंग राइट इक्विपमेंट, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी, प्री वेडिंग प्री प्रोडक्शन, ऐसे और भी टॉपिक्स पर हिमांशु जी ने अपनी जानकारी दी है। फोटोग्राफर्स के साथ साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, ऐसे और कई पेशों के लोग वहाँ उपस्थित थे। आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं। हेलो, मैं प्रियदर्शन मंडल। बेसिकली मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन ऐसे हॉबी फोटोग्राफी में ज्वाइन हुआ हूँ और PSI से लास्ट 4 ईयर से साथ ज्वाइन हुआ हूँ। Hi, good afternoon. Myself Sachin. I'm 57. I'm basically working as assistant scientist for a multinational. तो एक बात बहुत अच्छी लगी, पहले तो मैं सबके लिए ताली बजाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफी बिजनेस में नहीं है, लेकिन कोई साइंटिस्ट है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टरेट लाइन में है। तो मैं वाकई में मैं अमेज हूँ। मुझे लगा था 90% जो क्राउड आएगा वो सब फोटोग्राफर्स आएंगे और मतलब वो कहते हैं ना टिप्स लेके घर चले जाएंगे, हाँ यार ये तो ऐसे फोटोग्राफी करता है, हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन मैं वाकई बहुत अमेज्ड हूँ कि आप लोग डिफरेंट प्रोफेशन से आके छुट्टी लेके आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ होती है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है वो क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट की नीड समझनी है, ठीक है, और आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि उनके क्या कमर्शियल्स हैं, उनका क्या बजट है, आपका क्या पैकेज है। अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आ रहा है कि जिनका बजट कम है, ठीक है, लेकिन आपका पैकेज हाई है, तो आपको कैसे डील करना है। आपके पास अगर ऐसा क्लाइंट आ रहा है जो आपको अपना बजट ना बताए लेकिन आप अपना पैकेज बताओ, क्योंकि मोर ओवर जो फोटोग्राफर्स होते हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है कि यार हम लोग अपने बजट कैसे रेस करें, क्लाइंट को कैसे समझे, तो वो उस चीज़ के लिए मैं मेजरली डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि हाउ टू कन्वर्ट लीड। सो पहला पॉइंट है क्लाइंट बजट वर्सेज योर पैकेज। एक पैकेजेस होने चाहिए जो हर कैटेगरी को फिट करे। तो द मोमेंट इट कम्स यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउ आई यूजुअली डील इन सच सिचुएशंस, कि जो मेरा पैकेज है कंसीडर करते हैं 50,000 रुपीज़ वाला, मैं उनको वो फॉरवर्ड नहीं करता। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपको एक इवनिंग सेशन दूंगा, रादर देन गिविंग यू द 2 डे सेशन आई गिव दम इवनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको 40 इमेजेस प्रोवाइड करूँगा और एक वीडियो 40 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, या 1 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो क्या है कि उनकी नीड कम्प्लीट होती है, क्योंकि मोर ओवर लोगों का कुछ लोगों का प्री वेडिंग से कंसर्न ही होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि 200-250 दिन से फोटोज हो जाए, 5 दिन का प्री वेडिंग हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे पास जो आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें 1 घंटे का सेशन दे दो या 2 घंटे का सेशन हो, दैट्स लाइक मोर देन सफिशिएंट, हमारे लिए वो काफ़ी है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप हमेशा अपने अलग अलग पैकेजेस डिज़ाइन करो, एक छोटा पैकेज, एक मीडियम पैकेज और एक, जैसे सपोज करो एक हाफ डे सेशन, एक फुल डे सेशन और एक 2 डे सेशन, वेयर यू विल कैन पुट योर कमर्शियल्स। आप अपने कमर्शियल उस हिसाब से प्लान करो। जंपिंग टू द सेकेंड इक्विवेलेंट, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप क्या चाहते हो, आपका कितना मतलब आपका क्या कमर्शियल्स है या आप कहाँ शूट करवाना चाहते हो। अगर क्लाइंट बिल्कुल ही ब्लैंक है तो आप हमेशा उनको सजेस्ट करो कि आप क्या ऑफर कर सकते हो। आप इमीडिएटली व्हाट्सएप पे उनको अपना PDF भेजो, अगर आपके पास PDF डिज़ाइन नहीं है आप उनको एक ईमेल भेज सकते हो। अगर आपको ईमेल भी नहीं भेजना, आप एक व्हाट्सएप पे परफॉर्मा बनाओ जिसके अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करो अपने पैकेजेस की और वो आप उनको इमीडिएटली भेजो। 90% लोग शर्माते हैं इस बात को लेकर कि यार हम क्लाइंट को क्यों फ़ोन करें, लेकिन ये गलत सोच है। हमेशा आप फॉलो अप लो, लेकिन कॉन्स्टेंट फॉलो, ऐसा भी मत करो कि आप 6-7 कॉल कर दो। आप एक बारी कॉल करो, 2 बारी कॉल करो और रिमाइंडर छोड़ो कि व्हाट इज़ द अपडेट ऑन दैट, तो आप डेफिनेटली उनसे वो चीज़ पूछो। थर्ड आता है क्लाइंट, अब मोर ओवर लोग कहते हैं कि यार हम तो 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, हम अपना बजट कैसे बढ़ाएं।
वेडिंग का हो या प्री वेडिंग का हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सबके साथ। तो बजट बढ़ता है सबसे पहले आपका क्वालिटी से, और दूसरा बढ़ता है जब आप क्लाइंट की डीड समझते हो। जब क्लाइंट आपको फ़ोन करे, कभी भी आप उनको हमेशा आप उनकी सुनो बिफोर यू विल से समथिंग। आप अपना पैकेज बताने से पहले, अपनी सर्विसेज बताने से पहले, बिकॉज क्लाइंट ने डेफिनेटली आपका काम देख ही लिया होगा तभी आपका फ़ोन कर रहा है। तो आप अपनी सर्विसेज बताने से पहले आप सबसे पहले उनकी सुनो कि उनको कितने दिन का प्री वेडिंग शूट चाहिए। लेट्स से आपका पैकेज है 2 दिन का, लेकिन हो सकता है कि क्लाइंट बोले कि मुझे 5 दिन का वर्कशॉप चाहिए, सॉरी 5 दिन का प्री वेडिंग चाहिए। वो ये बात बोल सकते हैं कि मुझे मुंबई में नहीं, मुझे हो सकता सिंगापुर में चाहिए, थाईलैंड में चाहिए, दुबई में चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर आप सबसे पहले क्लाइंट्स के डिमांड्स को समझो, कितने दिन का वो प्री वेडिंग चाहते हैं, क्या फोटोज चाहते हैं, कितने वीडियोस चाहते हैं, क्या वो ड्रोन चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्या वो स्लो मोशन वीडियोस चाहते हैं, कितनी बड़ी टीम चाहते हैं, क्या वो आपका ट्रैवल अकोमोडेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सब कुछ समझने के बाद आप उनको हमेशा अपने पैकेजेस भेजो। और पैकेजेस मुझे लगता है कि भले ही आप मैच्योर हो या इमैच्योर हो, वो डेफिनेटली आपके पास आपके पैकेजेस होने ही चाहिए, विच इज़ द वेरी ईजिएस्ट वे टू डू इट। अपने प्रोफाइल को बिजनेस में कन्वर्ट करो, जैसे आप बिजनेस में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पे आपको कैटलॉग का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे कस्टमर आपके पास आता है, आपको उनको कुछ नहीं भेजना, आप सिंपली बोलो कि हमारे व्हाट्सएप पे जाके हमारा कैटलॉग देखो। कैटलॉग के अंदर आप अपने प्राइसिंग भी शेयर कर सकते हो, आप पर डे क्या चार्ज करते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो तो डेफिनेटली आप वो भी मेंशन कर सकते हो, भले वो 5,000 हो या 10,000 हो या 5 लाख रुपए रेट हो, आप हर चीज़ मेंशन करो। पैकेजेस शेयर करने का, जब आप प्रिसाइजली सबसे पहले क्लाइंट आता है आप इमीडिएटली पैकेज शेयर करते हो, इसके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट एक, क्लाइंट आपसे कभी बार्गेनिंग नहीं करेगा, जो कि मुझे समझ आता है मेरे करियर के अंदर, जो मुझे समझ आया उनको लगता है कि यार ये प्राइस फिक्स है। फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाते हैं, अच्छे मैम आप मॉल में गए, क्या आपने कभी ज़ारा या H&M में जाके आपने उनको ये बात बोला कि ये 4,000 रुपये की चीज़ है आप 2,000 रुपये की दे दो? नहीं बोला, क्योंकि आप यहाँ पे एक ब्रांड बन गए हैं और एक प्राइस टैग ऑलरेडी वहाँ पर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप एक लोकल शॉप पर गए, ठीक है, जहाँ पर प्राइस टैग नहीं है। अब आपने वो शर्ट उठाया और आपने वो शर्ट उठाने के बाद बोला कि ये क्या प्राइस है। अब वो क्या करता है, वो हमेशा आपके कपड़ों को, आपके कम्युनिकेशंस को जज करता है और उसके बिहाफ पे आपको चार्ज करता है। तो वही सेम चीज़ होती है, उसमें आपके लीड चले भी जा सकते हैं और नहीं भी चले जा सकते। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी आपका रहेगा, आपके रेट्स कार्ड्स ऑलरेडी रहेंगे, तो कोई भी क्लाइंट यूजुअली आपसे बात नहीं करेगा। तो दिस वॉज मेजर लिंक थिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट। मैं ये सिचुएशन तब हुआ था मेरे साथ कि मैंने क्लाइंट को जैसे ही उनका मुझे फ़ोन आया तो मैंने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दे दी। मैंने इमीडिएटली क्या किया, कॉल खत्म हुआ और मैंने उनको अपने मुंबई के वर्कलिंग्स भेज दिए। मैंने उनको सुना ही नहीं पूरा। अगर मैंने उनको सुना होता जब मैं प्री वेडिंग में उनको शूट करने गया, तो तब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि एक्चुअली हमें तो दुबई में शूट करवाना था। तो क्योंकि मैं दुबई अक्सर काफ़ी बार शूट कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको दुबई का पोर्टफोलियो देखा था हम लोगों ने और हम लोग दुबई ट्रैवल करने का सोच रहे थे। तो इस सिचुएशन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज लिसन टू योर क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट इज गॉड। आप हमेशा काम करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ होती है, आप हमेशा काम करते हो, आप अपने लिए तो काम करते ही करते हो, लेकिन कोई अगर आपको हायर कर रहा है उससे सेटिस्फैक्शन उसको कंप्लीट ना मिले, आपका काम करने का मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप ए लेवल काम करना जानते हो, आप आर्टिस्टिक काम करना जानते हो। मेरे साथ और भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई हैं कि मैं कुछ पोर्टफोलियोज में मैंने बहुत आर्टिस्टिक काम किया, लेकिन क्लाइंट बोलता था मुझे बहुत चीज़ी काम चाहिए, ठीक है, मुझे बड़े हैप्पी पोजेस चाहिए, लेकिन मैं वो मेरा जॉनर नहीं था। बाद में कुछ साल काम करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो क्लाइंट से आगे के क्लाइंट की डील आई नहीं। मैंने उनको वो हैंड ओवर किया जो मैं करना चाहता था, लेकिन जब से मैंने वो थॉट चेंज किया कि क्लाइंट को वो प्रोवाइड करो, डेफिनेटली अपने लिए पोर्टफोलियो बनाओ, वो तो एक आर्टिस्ट का इंपॉर्टेंट होता है। एक जो पेंटर होता है, जब वो आर्ट पेंटिंग करता है, कुछ पेंटिंग्स वो अपने लिए बनाता है अपने गैलरी के लिए, और कुछ पेंटिंग्स वो बनाता है लोगों के लिए कमर्शियली, जिससे वो पैसा कमाता है। तो हम भी वही आर्टिस्ट है, आपको दोनों के लिए काम करना है, आपको अपने लिए भी काम करना है और आपको क्लाइंट के लिए सबसे पहले काम करना है। तो क्लाइंट के डीड्स को समझो और उसके बिहाफ पे काम करो। ड्रोन सेक्टर की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह अनुमान लगाया है आने वाले सालों में भारत को तकरीबन 1,00,000 ड्रोन पायलट की जरूरत पड़ेगी। अहमदाबाद के हमारे फोटोग्राफर भाइयों के लिए एक खुशखबर है, 25/5/2022 को कोडॉक्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि इलेश शाह, धनंजय मोरे, दीपक वगेला होंगे। We'll be right back.
LiveView. लाइव वीडियो ट्रांसमिशन एंड वीडियो स्ट्रीमिंग सॉल्यूशंस ने 20,000 सोलो यूजर्स बनने की खुशी में अपने प्रोडक्ट्स पर स्पेशल डिस्काउंट जारी किया है जो सिर्फ और सिर्फ 31 मई 2022 तक ही रहेगा, तो आप सब जरूर इसका फायदा ले सकते हैं। अभी कुछ वर्कशॉप की बातें करते हैं। 20 जून to 24 जून सचिन एंड प्रियदर्शनी हैज ऑर्गेनाइज 5 days प्रोफेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप एट पुणे। टॉपिक्स आर्ट ऑफ पोजिंग एंड लाइटिंग, आर्ट ऑफ पोर्ट्रेट, किड्स फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, एडिटिंग इन फोटोशॉप। अधिक जानकारी के लिए कॉल ऑन 9815533815। अपना स्टूडियो PVT LTD ने 26, 27, 28 में पाम एक्सपो 2022 में MI बार का लाइव डेमो आयोजित किया है। एड्रेस बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, गोरेगांव ईस्ट, स्टॉल नंबर I-48। तो जरूर इसका लाभ लें। विकास इंगले फोटोग्राफी द्वारा 1 month बेसिक एंड एडवांस फोटोग्राफी वर्कशॉप अरेंज किया गया है। टॉपिक्स पोजिंग टेक्निक, लाइटिंग टेक्निक, स्टूडियो लाइटिंग, वेडिंग फोटोग्राफी, चाइल्ड फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, ऐसे और भी टॉपिक्स सिखाए जाएंगे। इसकी अधिक जानकारी TV स्क्रीन पर दिखाई गई है। मैं कोमल कृपलानी आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ, समाप्त नहीं पॉज करती हूँ। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। इफ़ यू वांट टू गिव एनी फोटो वीडियो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस ऑन 9223392434 और यू कैन ईमेल अस ऑन info.amvnews@gmail.com। फिर मुलाकात होगी AMV न्यूज़ में अगले एपिसोड के साथ।